बीते दिनों नगरपालिक निगम भिलाई के पार्षद और एमआईसी के स्वच्छता प्रभारी लक्ष्मीपति राजू पर हमला किया गया था और ठीक इस घटना के कुछ दिनों बाद रविवार को वार्ड 10 के पार्षद चंद्रशेखर गवई को भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। बीती रात करीब 10:30 बजे निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद चंद्रशेखर गवई को एक फोन आता है और फोन पर किसी शख्स के द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में अपनी बहन के इलाज के लिए डॉक्टरों की अनुपस्थिति के बारे में बताया जाता है और वार्ड पार्षद को अस्पताल बुलाया जाता है। उनके नहीं जाने पर तुरंत उस शख्स द्वारा वार्ड पार्षद से बेहुदा बातें करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे दी जाती है और फिर फोन काट दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 3 बार होती है जिससे वार्ड पार्षद सकते में आ जाते हैं। इन्हीं बातों को लेकर वार्ड 10 के पार्षद चंद्रशेखर गवई ने सोमवार को अपने अन्य कांग्रेसी मित्रों के साथ एवं निगम सभापति गिरिवर बंटी साहू की उपस्थिति में सुपेला थाना प्रभारी की गैर मौजूदगी की स्थिति में एसआई प्रमोद श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जिस नंबर से उन्हें धमकी भरे फोन आए थे उसकी जाँच की जाए और उस अज्ञात शख्स को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कल रात में मैं अपने घर में था 10 बजे। मेरा नाम है चंद्रशेखर गवई, पार्षद एमआईसी मेंबर नगर पालिका निगम भिलाई। मैं अपने घर में 10 बजे था। 10:47 पर मुझे एक अनोन नंबर पर फ़ोन आया कि मेरी बहन लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बीपी बढ़ गया है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम कीजिए, वहाँ जो भी स्टाफ होगा उनसे मेरी बात कराइए। तो बोल रहा था नहीं, आप हॉस्पिटल आओ। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मैंने मुझे बात कराया ऐसा करके। उसके बाद वो सीधे मुझे गाली गलौज करने लगा, बहुत अश्लील मुझे गालियाँ दी, धमकी दी, तेरे घर में घुस जाऊँगा, जान से मार दूंगा, 2 कौड़ी का पार्सा दे तू, तू मेरे को जानता नहीं है। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके जस्ट 3 मिनट के बाद फिर मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा कि हेलो, तो बोले ये बात करवा रहा हूँ मैं, मेरे पास कुछ छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मतलब आवाज़ वाली। उसके बाद में फिर वो गाली गलौज किया, गाली देते रात, मैंने कहा कि आप मुझे गाली ना दें, मुझे काम बताएं। उसके बाद उसने फ़ोन काट कर तीसरी बार मुझे कॉल किया तो मैंने फ़ोन को नहीं रिसीव किया। उसके बाद मैंने माननीय यही साहब को फ़ोन लगाया, शायद वो बिजी होंगे, फ़ोन नहीं उठा पाए, तो अपने यहाँ पे रजनीकांत जी हैं उनको भी लगाया। जब दोनों से मेरी बात नहीं हो पाई तो मैंने 100 नंबर कॉल करके इसकी जानकारी दी कि मेरे को ऐसा ऐसा फ़ोन आया था और ऐसी मुझे धमकियाँ दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि बस 15-20 मिनट के अंदर आपके पास आपकी सुविधा के लिए हमारा जो PCR है ना आ जाएगा, परंतु रात में शायद वो नहीं पहुँच पाए। इसको लेके मैं अभी माननीय थाना अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने के लिए आया, मांग करता हूँ कि ऐसे जो अपराधी तत्व हमारे शहर में घूम रहे हैं जिसके कारण शहर अमन चैन से नहीं जी पा रहा, ऐसे आदमी के ऊपर तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होता है तो पूरी कांग्रेस कमेटी, हमारे पूरे पार्षद, MIC मेंबर एवं मेरे जो समाज के लोग हैं वो आके थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम नगर निगम के हमारे साथ साथी है चंद्रशेखर गवई, जो MIC मेंबर है, इसको अननोन नंबर से कल रात में एक फ़ोन आया जो धमकी भरा था और हम लोग सभी मिलकर ये कहना चाहते हैं कि इसको तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और उसको धारा लगाया जाए। नहीं, इसमें जो क्षेत्र में आपराधिक तत्व है उसके द्वारा ही धमकी मिली, ऐसा नहीं है कि पार्षद, कांग्रेस पार्षद को मिली जा रही है, ये अधिकतर पार्षद लोग को धमकी मिलती रहती है, लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है और इसका तत्काल कोई भी जाए, अगर इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अभी इसकी तो जानकारी नहीं, प्रायोजित ढंग से नहीं होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना होती है तो इसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मेरे ब्लॉक में 26 वार्ड आते हैं, 26 वार्ड में मेरे 12-13 पार्षद MIC मेंबर्स हैं और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे कोई भी पार्षद को कोई धमकी दे रात को अननोन नंबर से। अगर ऐसा होता है और 24 घंटे का अंतर्गत उसको अगर गिरफ्तारी नहीं दिया जाता है तो मैं पूरे ब्लॉक के साथियों के साथ, MIC मेंबरों के साथ, मैं आके थाना में थाना का घेराव कर दूँगा, अतिशीघ्र इसको गिरफ्तारी किया जाए और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। अभी किसको किसको शिकायत करने जा रहे हैं आप लोग? अभी हम थाना आए हुए हैं, यहाँ पहले सुपेला थाना में, अगर यहाँ से हमको जो सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, अगर वो गिरफ्तारी नहीं होता है 24 घंटे में, तो हम आगे 24 घंटे में थाना का घेराव कर देंगे। मामला ये है, कोई पीड़ित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती रहा, उसके लिए माननीय पार्षद महोदय को कोई अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बहुत ही गंदे ढंग से उनके साथ व्यवहार किया है जो बहुत आपत्तिजनक है। उनके खिलाफ मैं 506, 202 जैसे जो अपराध बनते हैं, और केवल चूँकि केवल मोबाइल नंबर आया हुआ है, उस मोबाइल नंबर का कैप निकाल कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके पूर्व भी महापौर परिषद के स्वच्छता प्रभारी और कांग्रेसी नेता लक्ष्मीपति राजू पर किसी ने हमला कर दिया था, जो पुलिस की गिरफ्त में है। और चंद दिनों बाद एक और कांग्रेसी नेता वार्ड पार्षद और एमआईसी सदस्य को इस तरह की धमकी भरे फोन आना इस ओर इशारा करता है कि शहर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।